ये सम्मान किया है जो लोग हैं यहाँ के, जो मतदाता हैं, आजमगढ़ की जनता ने जो सम्मान दिया है उसी की वजह से वो सर्टिफिकेट मुझे मिला है। इसलिए सर्टिफिकेट नहीं है हमारे लिए, वो जनता का सम्मान है और लाखों वोट से जिताया। आपने तमाम अपने संगठन के लोगों पे थोड़ा सा ये भी रोक लगाई है कि वो बात न करें, क्या समीक्षा करने के बाद तय करेंगे, क्या प्लान क्या है? अभी मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ, हालांकि सब चीज़ रिकॉर्डेड है, मुझसे बेहतर आप नहीं समझते होंगे। मैं क्या बोलूँ, आप तो ठीक समझे वो बोलिए। चुनाव तो अब संसाधन जुटा के ही हो सकता है, गरीबों की लड़ाई तब हो सकती है जब बीजेपी की तरह संसाधन जुटा ले कोई। क्या आपको लगता है इस चुनाव में कोई ऐसी नई चीज सीखने को मिली जो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आप कई बार ये कह चुके हैं कि अब कुछ नहीं सीखने को बचा है, अब केवल काम करने का बचा है। काम तो आप बहुत किए हैं, वो काम दूसरे तरह का करना है जिससे लोगों का ध्यान हट जाए। क्या लगता है कि अब लोग जो है काम को ध्यान नहीं देते हैं, बाकी चीजों पर ध्यान देते हैं? नहीं, काम पे ध्यान देते हैं, और मैंने हमेशा प्रेस में ये कहा कि विकास के मैं काम नहीं छोड़ूंगा। आज देखिए अखबारों में क्या निकला है, मैंने लखनऊ का अखबार पढ़ा, उसमें कहा कि पुलिस ने एक लड़की को बचाया, उस बेटी को बचाया कुछ दरिंद्रों से, कुछ लड़कों ने उस लड़की को ढाबे से उठाया और उसके साथ घटना करने जा रहे थे, लेकिन 100 नंबर के पुलिस के लोगों ने उसको समय पर जा कर के बचा लिया, तो 100 नंबर किसने दिए? आज पुलिस के पास सबसे